अयोध्या तकरीब जम्हूरियत के लिए सियाह दिन, सीपीआई का बयान। मोदी का मंदिर की तामीर की मुहिम का जिद्दोजहद आजादी से तकाबुल करना काबिले मजम्मत। नरेंद्र मोदी के अयोध्या में राम मंदिर की तहरीक को जिद्दोजहद आजादी के मुमासिल करार देने पर सीपीआई ने सख्त तनकीद की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मोदी के इस बयान को हिंदुस्तान के सेकुलर ताने बाने को बिखेरने का एकदम करार दिया। मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का संग बुनियाद रखने के बाद राम मंदिर की तामीर की जिद्दोजहद को हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक से जोड़ते हुए कहा कि ये दिन 5 अगस्त इतना ही अहम है जितना के 15 अगस्त है। मोदी के रिमार्क्स हिंदुस्तान जैसे जमहूरी व सेकुलर मुल्क के मुंतखब लीडर के रिमार्क्स काबिले मजम्मत हैं। वजीर आजम ये भूल गए हैं कि वो सारे मुल्क के लीडर हैं, ना कि उन लोगों के लीडर हैं जो आरएसएस बीजेपी के नजरियात के हामिल हैं। हुकूमत के सरबराह का अयोध्या में संग बुनियाद रखने से हुक्मरान जमात की जानिब से दस्तूर के इकदार की पामाली है, जिसकी बुनियाद पर मुल्क की सूरत गरी होती है। राम मंदिर की तहरीक की वजह से बरपा फिरका वाराना फसादात में जाने गंवाने वाले बेशुमार अफराद को फरामोश कर दिया गया है। इस तहरीक की वजह से मुल्क में दरारें पैदा हुई हैं। ये बात अब वाज़े हो गई है कि मुल्क आरएसएस चला रही है और इसमें आरएसएस के सरबराह की शिरकत से इस बात की तौसीक होती है। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी से बादियों नजर में मुल्क में एक ही मजहब जाहिर हो रहा है, जिससे हिंदुस्तान जैसे सेकुलर जमहूरी नौयत का मुल्क खतरे में है। आर्टिकल 370 की मनसूखी गैर कानूनी, चीन का बयान। हिंदुस्तान ने 2019 में जम्मू कश्मीर की तंजीम जदीद को गैर कानूनी और गैर कारकर्द करार देने पर चीन पर बरहमी का इजहार किया है और बीजिंग को मशवरा दिया है कि वो दूसरे मुल्कों के दाखिली मामलात पर तबसरा न करे। जम्मू कश्मीर से मुतालिक हिंदुस्तान के फैसले के एक साल की तकमील पर चीन के तबसरे पर शदीद रद्दे अमल का इजहार करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में चीन को कोई इख्तियार नहीं है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बीजिंग में कहा था कि जम्मू और कश्मीर के मौकफ की कोई भी एक तरफा तब्दीली गैर कानूनी और गैर कारकर्द है। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर के खसूसी मौकफ की बर्खास्तगी और रियासत की दो मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने का ऐलान किया था। चीन लद्दाख के बाद हिस्सों पर अपना दावा पेश करता है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मसले कश्मीर पर चीन का मौकफ वाज़े और मुस्तकिल है। कश्मीर पहले एक ऐसा तनाजा है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तारीख ने छोड़ा है और अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर में इसकी सराहत है। नीज अक़वामे मुत्तहिदा की कई करारदादों और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी मुआहदों से भी इसका इजहार होता है। दुआ ये कि कश्मीर के इलाके में जूं के तूं मौकफ में कोई भी एक तरफा तब्दीली गैर कानूनी है। तीसरी बात यह है कि मसले कश्मीर को मुतालिका फरीकों के दरमियान बातचीत और मशावरत के जरिए मुनासिब और पुरअमन तौर पर हल करना चाहिए। चीन मसले कश्मीर पर हमेशा अपने इत्तेहादी पाकिस्तान का साथ देता रहा है। हिरोशिमा नागासाकी जैसे वाकयात कभी दोहराए न जाएं, जापान के वजीर आजम का बयान। जापान के वजीर आजम ने कहा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर होने वाली एटमी बमबारी जैसे वाकयात कभी दोहराए नहीं जाने चाहिए। जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने अपने मुल्क के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर की गई एटमी बमबारी की 75वीं बरसी की मुनासिबत से
अपने एक बयान में अमरीकी दहशत गर्दी से मुतासर होने वाले खानदानों से हमदर्दी जताई और इस अज़्म का ऐलान किया कि उनका मुल्क एटमी हथियार बनाने, उन्हें महफूज रखने या उन्हें बरामद करने का कोई इरादा नहीं रखता। याद रहे कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के एक बम्बार तैयारे ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एक एटमी बम गिराया था और उसके 3 ही दिन बाद दूसरे शहर नागासाकी पर भी एटमी हमला कर दिया था। इसके इन एटमी हमलों के सबब जापान के 2.25 लाख लोगों की मौत हो गई थी जबकि 10 लाख अफराद एटमी तापकारी से मुतासिर हुए थे जिसके नताएज आज भी इन इलाकों के लोगों में देखे जा सकते हैं। मकतूबे रियाद मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। गैर मुल्कियों के 3,000 से ज्यादा दावे 50 लाख रियाल दिलवाए गए। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद के मातहत मसालिहत कराने वाले इदारे ने 2 माह के दौरान 3,000 से ज्यादा दावे निपटा कर गैर मुल्कियों के 50 लाख रियाल से ज्यादा के बकाया जात वापस दिलाए। वजारत अफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने बयान जारी करके बताया कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान हमें गैर मुल्की मुलाजमीन की तरफ से 3,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। वजारत अफरादी कुव्वत आजिरों और अजीरों के मामला तेजी से निपटाने के लिए मसाहलती कार्रवाई पर जोर दे रही है। आजिर और अजीर दोनों को हक दिया जाता है कि वो मसाहलती फैसला कबूल करें या ना करें। कबूल करने पर नाफिस कर दिया जाता है और मसाहलती फैसले पर अदम इत्मीनान के इजहार पर मुकदमा लेबर कोर्ट भेज दिया जाता है। शाह सलमान मरकज की तिब्बी टीमें बैरूत रवाना। सऊदी अरब में शाह सलमान मरकज बराए इमदाद व इंसानी खिदमात ने बैरूत ने तबाह कुन धमाके के जख्मियों की मदद के लिए तिब्बी टीमें रवाना की हैं। लेबनान में इमदादी ऑपरेशन के लिए मुख्तस मेडिकल सोसाइटीज के जरिए एम्बुलेंसों और इमरजेंसी मेडिकल टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। किंग सलमान मरकज के मातहत जख्मियों की मदद फौरी तिब्बी इमदाद और हंगामी सेहत निगहदाश्त के लिए भेजी गई है। याद रहे कि बैरूत बंदरगाह पर मंगल की शाम धमाके से लबनानी दारुल हुकूमत लर्ज गया था। बैरूत के सारे मोहल्ले मुतासिर हुए। बेशतर इमारतों, गाड़ियों और दुकानों के शीशे टूट गए। लबनान के बिलमुकाबिल जजीरा कब्रस में भी लोगों ने धमाके की आवाजें सुनी। अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में मोहतरमा सबीन साहिब को समाज फरमाए। महमूद शाही साहब के साथ जुड़ा नाम वसीला टीवी या वसीला टीवी के साथ महमूद शाही का नाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वसीला टीवी की और शाही साहब की कि उन्होंने मुझे दावत कलाम दिया, दावत सुखन दिया। दो शेर जो मेरी पहचान है कि दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, दिल तो क्या जान हार सकती हूँ, हर खुशी तुझ पे वार सकती हूँ। पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। पहले डरती थी पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। एक गजल। तुझसे वाबस्ता हर एक शय को जला डालेंगे, तुझसे वाबस्ता हर एक शय को जला डालेंगे, तू तो तू तेरा तस्वुर भी मिटा डालेंगे। तू जो आएगा तो एक खेल नया खेलेंगे, वक्त के पाँव में जंजीर सजा डालेंगे। हम मोहब्बत के परस्तार, मुरव्वत के असीर, उसके कांसे में शबो रोज वफा डालेंगे। उसको जख्मों के खुरचने का मजा लेने दो, हम मसीहा हैं सो जख्मों पे दवा डालेंगे।
हम तो नजराना एजा लेके चले हैं घर से, हम तो नजराना एजा लेके चले हैं घर से, आप बतलाइए कशकोल में क्या डालेंगे, सर कलम कर देंगे मुंहजोर तमन्नाओं के, आरजुओं को सबीन आग लगा डालेंगे, आरजुओं को सबीन आग लगा डालेंगे, हम तो नजराना एजा लेके चले हैं घर से, आप बतलाइए कशकोल में क्या डालेंगे। We'll be right back.